ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जो कि कभी विफल ही नहीं हो सकता, एक ऐसा गुप्त मंत्र जिसका जिक्र भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये उन शक्तियों में आता है जो कि लौट कर वापस नहीं आती। एक बार किसी पर कर दिया तो ये अपना काम पूरा ही करके आता है, इसे ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। एक बार यदि इसे चला दिया जाए तो सामने वाला चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपके यहाँ पर पानी भरेगा। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही सटीक लगने वाला ऐसा मोहिनी मंत्र जो कि विरले ही आपने कभी सुना होगा। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र अपने आप में विशिष्ट है। इस जैसा मंत्र और कोई नहीं है, इसकी तुलना हम किसी और मंत्र से कर ही नहीं सकते। यदि इसकी तुलना की जाए तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई मंत्र होगा जो कि इसके समान 25% भी टिक पाए। ये मंत्र है लोना चमारी का। तो जिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि तंत्र में लोना चमारी का बहुत बड़ा स्थान है। वो ऐसी तांत्रिक थी जिसके पास असंख्य मंत्र थे, असंख्य तंत्र की शक्ति थी जो कि उनके साथ रहती थी, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां पा रखी थी। लोना चमारी भी दो थी, एक थी बंगाल की और एक थी राजस्थान की। तो राजस्थान वाली जो लोना चमारी थी, आज मैं उनका मंत्र आपको दे रहा हूँ। इनके पीछे एक बहुत बड़ी मान्यता है कि जो लोना चमारी थी वो ददरेवा में रहती थी। ददरेवा में कौन रहते थे? जाहरवीर जो हैं, उनकी माता जो है, उनकी वो दासी थी। जाहरवीर की जो माता थी, वाशिल की दासी थी वो। और उन्हें जो है, जो जाहरवीर हैं, वो अपनी माता के समान मानते थे। तो जब भी कोई उनकी दुहाई देता है तो इसके पीछे जो शक्ति काम करती है वो जाहरवीर की है। वो स्वयं आकर उनका ये मनोरथ जो है वो सिद्ध कर देते हैं। तो जब भी कोई दुहाई लगाई जाती है लोना चमारी की, तो उनके पीछे जो है जाहरवीर अपना काम करते हैं। जहाँ पर भी कहीं इनका नाम लिया जाता है वहाँ पर जाहरवीर प्रकट होते हैं और अपनी करुणा बरसाते हैं। बहुत ही प्रभावी और बहुत ही, मैं कहूँगा, सटीक लगने वाला मंत्र है जो कि पहले ही दिन से अपना काम करना शुरू कर देता है। तो जब भी कोई चाहे कि इस मंत्र का प्रयोग करना है तो सबसे पहले सात्विक हो जाए, कुवाक्य छोड़ दे और अपने आप को इतना पवित्र कर ले कि जो शक्तियां हैं वो स्वतः ही आपका काम निसंकोच कर पाएं। एकांत वासी बन जाए, एकांत में रहें, किसी का अनिष्ट ना करें, अपने जीवन यापन में लगे रहें और साधनाओं में लगे रहें, तो जो शक्तियां हैं वो भी आपकी दासी बन जाती हैं और आपके हित अनुसार कार्य करती हैं। यदि आप मांस मदिरा किसी भी तरह का व्यसन जो है आप लेते हैं तो इसमें जो शक्तियां वो रुष्ट हो जाती हैं, कुपित हो जाती हैं और आपका अनर्थ कर देती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप में चेंजेस करने होंगे। अपने आप को बदलिए और जितना भी ये जो मांस मदिरा, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, जो भी है आप कितने ही सालों से करते आ रहे हो, इन सबको छोड़ दीजिए और बिल्कुल शांत स्वभाव के बन जाइए। किसी से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव और एक एकांतवासी किसी एकांत स्थान में जाकर रहने लग जाइए। यदि ये संभव नहीं है और आप गृहस्थ में हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन जो साधनाओं के क्षेत्र में है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि एकांतगामी बन जाए और कोई ऐसा स्थान ढूँढें जहाँ पर कि आप अकेले हों और अपनी साधनाओं में इस मंत्र को लाना कतई ना भूलिएगा। ये जब भी कोई आपके पास याचक आए, जो भी अपनी समस्या लेकर आए कि किसी को वशीभूत करना है, किसी को अपने अनुकूल करना है, तो ये मंत्र अपने आप में ऐसा मंत्र है जो कि
बड़े बड़े काम चुटकियों में कर देगा। और आइए अब इस मंत्र को उजागर करते हैं जो कि लाखों सालों से छुपाया गया था। मंत्र है, काला मुख धोयो करु सलाम, काला मुख धोयो करु सलाम, मेरी आँखों में सुरमा बसे, जो देखे सो पायन पड़े, जो देखे सो पायन पड़े, दुहाई लोना चमारी की। एक बार फिर से, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे ये शावर मंत्रों में आता है, तो शावर मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें कि थोड़ी बहुत संस्कृत होती है, थोड़ा बहुत जो है ग्रामीण भाषा होती है, सब कुछ सबका मेल जोल होता है। तो ऐसे मंत्रों को शावर मंत्र कहते हैं जो कि कुछ ही पलों में अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो एक बार फिर से मैं मंत्र पढ़ देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा सा है। चलिए शुरू करते हैं। काला मुख धोयो करु सलाम, मेरी आँखों में सुरमा बसे, जो देखे सो पायन पड़े, दुहाई लोना चमारी की। तो आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम किसी ऐसे शुभ नक्षत्र में, जैसे होली दिवाली या फिर कोई त्यौहार हो, उस दिन बैठ जाइए और इसका 10,000 बार जाप कर लीजिए। जाप करने से ये सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद एक सुरमा लीजिएगा, जो भी आप सुरमा लगाते हो, कोई काजल लगाते हो, उसको अपनी आँखों में लगाइए। और ये जो मंत्र है 10,000 बार जो आपने सिद्ध किया था, ये उस काजल के ऊपर आपको सिद्ध करना है। और फिर उस काजल को लगाकर आपको जो है अपने साध्य के सामने चले जाना है। अब इससे होगा ये कि जो भी आपको देखेगा राह में, जो भी आपको मिल गया, समझिए वो आपसे वशीभूत हो गया। और इस तंत्र में बड़ी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, क्योंकि रास्ते में आप नहीं जानते कि कितने ऐसे जीव जंतु आएंगे, ऐसी ऐसी शक्ति आएंगी जो कि आपको देखकर आपसे आकर्षित हो जाएंगे। तो उनसे बचने के लिए आपको कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे कि सिर्फ जिसको आप चाहते हैं वही आपको सबसे पहले दिखे। तो आप क्या कीजिएगा कि जब भी समय मिले तो अपने जो भी आपका साध्य है उसके आसपास जाकर तभी इस सुरमे को लगाएं। और इसकी जो विधि है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, इसको 10,000 की संख्या में 11 दिनों तक जप लेना है। कोई भी ऐसा शुभ मुहूर्त आपको दिखे, जब होली दिवाली हो, ग्रहण काल हो, उस समय से शुरू करना है और 11 दिन तक आपको ये करना है। ऐसा करने से जो है सामने वाला जो भी होगा वो आपसे वशीभूत हो जाएगा। और ये मास को अट्रैक्ट करने के लिए भी होता है, जिस तरह से पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर कोई बड़ा मंच हो जहाँ पर कि बहुत सारे लोग आए हुए हों और आपको उन सब को प्रभावित करना हो, तो भी ये जो सुरमा बनाया जाता है ये बन सकता है। और ये सब आपको टकटकी लगाए देखते रहेंगे और आपकी बातें सुनते रहेंगे। ये जो सुरमा है ये मांस को अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सुरमे से आप जिस लगाकर जिसके भी सामने जाएंगे वो आपसे वशीभूत हो जाएगा। इसको सभा मोहन के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि बहुत सारी गैदरिंग हो रखी और उस पर आपको ये लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। लेकिन इसकी जो सावधानियाँ हैं वो बहुत सारी हैं। कभी भी ये सुरमा लगाकर आपको रात के समय नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए रात को अकेले में आप निकल रहे हैं 10-11 बजे या 12 बजे, तो आपको ये सुरमा नहीं लगाना है। इसका समय रहेगा 8 बजे से पहले पहले, 8 बजे से पहले पहले आपको ये क्रिया कर देनी है। अन्यथा आप कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि आपके लिए हितकर नहीं होगा। और अगर ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई एंटिटी आपकी लाइफ में आ गई तो इसमें जो है बहुत नकारात्मक आपको रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो कभी भी जब भी इस सुरमे को लगाना हो
तो सूर्यास्त से पहले पहले लगा लें और कभी भी इसको सूर्यास्त के बाद ना लगाएं। तो इससे जो है जो भी आप चाहते हैं, जिसको भी वशीभूत कर रहे हैं, वो बहुत ही सरलता से आप कर सकते हैं। और यदि कहीं कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो या कुछ और जानना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो 9992841625 पर। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। और अगर आपको सुरमा बना बनाया चाहिए तो जाइए कालीविद्या.com पर, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। धन्यवाद।